बुधवार को समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर यासिर शाह ने की। बता दें, समाजवादी पार्टी ने बहराइच में 3 नगर पंचायतों पर जीत हासिल की, जिसमें कैसरगंज नगर पंचायत से यूसुफ अली, चरवल नगर पंचायत से तस्नीम बानो और प्रयागपुर नगर पंचायत से विपिन श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की। इन सभी जीते हुए प्रत्याशियों का सम्मान समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर किया गया। सभा को संबोधित करने के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा, शासन प्रशासन द्वारा इन्हें हराने का पूरा प्रयास किया गया, इसके बावजूद भी ये आखिरी दम तक टिके और जीत हासिल की। कैसरगंज में तो रिकाउंटिंग भी कराई गई, बावजूद उन्हें कुछ हासिल ना हुआ। समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और समाजवादी पार्टी को जीत मिली। समाजवादी पार्टी में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा, हमारा अगला लक्ष्य 2024 अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाना है। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतवंत सारी की रिपोर्ट। क्या होगी आपकी प्राथमिकता है? हमारी प्रत्याशी यह है कि जरवल विकास, जरवल नगर पंचायत में विकास हो और सुंदर बने। इंशाल्लाह गुजारिश यही है कि हर हिंदू मुसलमान ने वोट दिया है और भरपूर ताकत से जुटाया है, उनका मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आएगी। इंशाल्लाह उनके साथ हमेशा हम खड़े हैं। और अगली चक्कर भी जीत बम्पर वोटों से हुई थी, जिस वजह बम्पर वोटों से जनता ने जिताया है, तो इंशाल्लाह विकास का ज़्यादा मुद्दा है और विकास कराएंगे और हर दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे। आप दूसरी बार लगातार चुनाव जीते हैं, क्या ऐसे जो पहले काम हुए जो रह गए हैं उसे आपको पूरा करना? बिल्कुल पूरा करा जाएगा और जनता ने फिर से एक बार मौका दिया है तो इंशाल्लाह उस पर खड़े उतरना है और जनता के हमेशा साथ में। ये हमारी जीत नहीं हुई है, ये पूरे नगर पंचायत की जीत हुई है, हर हिंदू मुसलमान की जीत हुई। इंशाल्लाह वही चुनाव जीते हैं हमारे नगर में। आप पता कर लीजिए कि इंशाल्लाह एक तरफा और आने वाले भविष्य में भी इंशाल्लाह एक तरफा रहेगा कि हम नेता नहीं हैं, अपने गांव के बेटे हैं और इंशाल्लाह हर हिंदू मुसलमान मुझे चाहता है और सबकी जबान पर एक ही नाम था, इंतज़ार अहमद। और अकील फिर से तस्लीम मानों को 3870 मत मिले, उसमें किसी की कमी नहीं आएगी। जिसने दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला, काम सबका होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जय भारत, जय समाज।